हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थायराइड की बीमारी से बचने के कुछ घरेलू उपाय, जो कि 100% इफ़ेक्टिव हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये गले की तरफ पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है। ये तितली के आकार की होती है। ये ग्रंथि शरीर के कई ज़रूरी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ये हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। थायराइड ग्रंथि T3 T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। इन हार्मोन्स का सीधा असर सांस, हृदय गति, पाचन तंत्र और शरीर के तापमान पर पड़ता है। साथ ही ये हड्डियां, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। जब ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो वजन कम या ज़्यादा होने लगता है, जिसको हम थायराइड की समस्या कहते हैं। थायराइड दो तरह का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड ज़रूरत से कम मात्रा में हार्मोन्स को बनाता है, जबकि हाइपरथायराइड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स का निर्माण करता है। आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी, वो आपको दोनों तरह के थायराइड को दूर करने में आपकी मदद करेंगी। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो रेमेडी। तो दोस्तों, ये जो मैं आपके साथ उपाय शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और इनका असर आपको 2 से 4 दिन में दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ धनिया। धनिया थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत ही फ़ायदा करता है। इसके प्रयोग के लिए आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच साबुत धनिया को रात के समय भिगो कर रख दें। सुबह के समय आप इसे उबाल लें। जब पानी चौथाई भाग रह जाए तो उसे छान कर खाली पेट पिएं। आपको ये पानी प्रतिदिन लेना है। धनिए का पानी थायराइड को दूर करने के लिए बहुत ही मददगार होता है। अलसी के बीजों को भी थायराइड को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अलसी के बीज थायराइड ग्लैंड को सही तरह से काम करने में मदद करते हैं, इसीलिए इसको थायराइड का आयुर्वेदिक उपचार माना जाता है। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म को कम करने में मदद करता है। इसके प्रयोग के लिए आप 1/2 चम्मच अलसी के बीजों को रात में 1/2 कप पानी में सोख करके रख और सुबह इन बीजों को खाली पेट चबाकर खाएं। साथ में आप उस पानी को भी पी लें। ये आपको थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत आराम पहुंचाएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नारियल का तेल भी बहुत उपयोगी होता है। इसके लिए आप वर्जन क्वालिटी का नारियल का तेल का प्रयोग करें। इसके प्रयोग के लिए आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाएं और इसे खाली पेट पिएं। नहीं तो आप खाने में भी नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक भी थायराइड को दूर करने में बहुत हेल्प करती है। इसके लिए आप अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और 20 मिनट के लिए इसे पानी में डालकर रखें। 20 मिनट के बाद आप इसे हल्का गर्म कर लें और शहद मिलाकर चाय की तरह पिएं। इसके साथ आप अपने खाने में भी अदरक का यूज़ कर सकते हैं और अदरक को चबाकर भी खाया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड के मरीजों को हरी सब्जियां, फल, इसके साथ ही प्रोटीन लेने के लिए हमें मछली और बीन्स का प्रयोग करना चाहिए। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, वर्जन क्वालिटी का नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने खाने में फाइबर की मात्रा डाइट के ज़रिए बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पाचन क्रिया में मदद करती है। हमें अपनी डाइट में ऐसे फैट्स का चुनाव करना चाहिए जो LDL यानी कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकें। इसके लिए बीज, नट्स और फलियों का प्रयोग कर सकते हैं। थायराइड में हमें इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग से बचें या कम से कम इसका प्रयोग करें। ये हृदय संबंधी समस्याओं और कैंसर का कारण हो सकते हैं। सैचुरेट फैट जो मीट और चीज प्रोडक्ट से मिलता है, उसका प्रयोग अधिक करें। सॉफ्ट ड्रिंक या ऐसे ही अन्य पेय पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूध का प्रयोग ना करें या कम से कम करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। थायराइड की अवस्था में दूध का प्रयोग करने से TSH का स्तर भी प्रभावित हो सकता है।
दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।